नमस्कार, मैं अंजना और आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज। आइए शुरुआत करते हैं मध्य प्रदेश के कुछ बड़ी खबरों से। विजय वर्गीय के लिए पूर्व महापौर मैदान में इंदौर में मेंदोला समर्थकों के लिए ओवर टाइम खत्म नहीं, प्रदेश को टारगेट कर रहा पटवारी का बयान। अपने जाल में खुद फंसा सिपाही, कमीशन खोरी के लिए खुलवाई रिश्तेदार की सिक्योरिटी एजेंसी, फिर की झूठी शिकायतें। अखिलेश के सवाल पर झल्लाए थे कमलनाथ, दिग्विजय ने बांधे तारीफों के पुल, क्या ऐसे बनेगी सपा से बात। एमपी का हिल स्टेशन पचमढ़ी सबसे ठंडा, रात का टेम्परेचर 12 डिग्री, भोपाल ग्वालियर में भी पारा लुढ़का। इंदौर में शराब पीकर युवतियों का हंगामा, बीजेपी नेता के बेटे को घर के बाहर पीटा, चाकू मारे, गाड़ी भी फोड़ी। कप कैसे जीतेगा इंडिया, नीदरलैंड को हराकर ऑस्ट्रेलिया नंबर 4 पर कायम, बाकी 4 मैच जीते तो सेमीफाइनल पक्का, भारत टेबल टॉपर। कमलनाथ ने दाखिल किया पर्चा, नामांकन रैली में हजारों कार्यकर्ताओं के साथ पहुंचे कलेक्टर, बेटे नकुल और पुत्र वधू प्रिया नाथ भी रही मौजूद। कांग्रेस ने कहा है कि यदि उनकी सरकार बनेगी तो परीक्षाओं में अनियमितता रोकने और पेपर लीक जैसी घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए नया कानून बनाया जाएगा। बुरहानपुर पर चढ़ा गजब चुनावी रंग, गधे पर सवार होकर नामांकन भरने पहुंचा प्रत्याशी। इंदौर भाजपा ने विधानसभा प्रभारियों के बहाने जातिगत सामाजिक समीकरण बिठाए, सभी सीटों पर उम्मीदवारों की नियुक्ति के बाद हुई घोषणा, कांग्रेस पिछड़ी। अब तक के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं कुछ ऐसी ही बड़ी खबरों के साथ, तब तक के लिए नमस्कार और बने रहें द खबरदार न्यूज़ पर।